स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम थर्ड सेम कॉस्ट अकाउंटिंग। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट और एक एग्जांपल ऑफ द क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना। तो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए सबसे हमें कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। जब हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की। ठीक है, तो मटेरियल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मटेरियल वो जो डायरेक्ट मटेरियल है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसे हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या इंक्लूडेड है? ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जिसे हम फाइनल प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इस बुक में पेपर क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल हो गया। ठीक है, तो इसमें आ गया सबसे पहले रॉ मटेरियल, जैसे मैंने बताया बुक के लिए पेपर हो गया, गन्नी बैग्स के लिए जूट हो गया। ठीक है जी, और कैनिंग इंडस्ट्री के लिए फ्रूट हो गया। देन मटेरियल जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए खरीदा जाता है, जैसे इस बुक को बनाने के लिए पेपर हो गया रॉ मटेरियल और इसके लिए ग्लू हो गया स्पेसिफिकली परचेस्ड मटेरियल। ठीक है, इसी तरह मटेरियल में ही पार्ट्स और कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं साइकिल बनाने की, तो साइकिल के जो टायर हो गए, कार की जो बैटरी होगी वो हो गए उसके पार्ट्स और कंपोनेंट्स। इवन जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है, जैसे है ना रैपिंग मटेरियल हो गया, कार्डबोर्ड बॉक्सेस मटेरियल हो गया, तो वो भी मटेरियल का ही पार्ट है। तो अगर हम बात करें इनडायरेक्ट मटेरियल की, इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जिसे हम जो है फाइनल प्रोडक्ट में देख नहीं सकते। जैसे वो कह रहे हैं लुब्रिकेंट हो गया, ब्रूम्स हो गए, रैग्स हो गए, क्लीनिंग मटेरियल हो गया, या अगर इस बुक में हमने कोई थ्रेड यूज़ किया है ना, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, विच वी कॉन्ट सी इन द फाइनल प्रोडक्ट। देन आ गया डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर यूज़ की जाती है उसे हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं, विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड, है ना, हम जिसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कौन सी लेबर आ गई? फर्स्ट लेबर एंगेज्ड ऑन द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो लेबर यूज़ की जाती है, और लेबर एंगेज्ड इन एडिंग द मैन्युफैक्चर, जैसे सुपरवाइजर्स हो गए। एक तो वो लेबर होगी जो उस चीज़ को बना रही है, एक उन जो लेबरर्स को सुपरवाइज कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स दे आर आल्सो कॉल्ड लेबर। ठीक है, देन इंस्पेक्टर्स और एनालिस्ट जो उनको प्रोडक्शन को एनालिसिस कर। नेक्स्ट आके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसी भी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। इसमें रॉयल्टी आ गई, एक्साइज ड्यूटी आ गई, हायर चार्जेस आ गए, ये होगी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ओवरहेड का। ओवरहेड्स का मतलब है टोटल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड करते हैं तो वो ओवरहेड्स बनते हैं। ठीक है, तो ओवरहेड्स को आगे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन या वर्क्स ओवरहेड तीनों सेम है। ठीक है, कौन से खर्चे? वो खर्चे जो कि ऑर्डर लेने से लेके डिस्पैच तक किए जाते हैं उसे हम प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स में यूज होंगे। ठीक है, इसमें आ गया डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, चार्जेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्लांट एंड मशीन आ गई, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आ गए, रेंट रेट, टैक्सेस आ गए। तो ये सारे एक्सपेंसेस आपने रीड करने हैं और लर्न करने हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स में यूज़ होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ गए। जैसे ऑफिस का रेंट हो गया, लाइट होगी, हीट होगी, सैलरी वेजेस हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, क्रेडिट अप्रूवल हो गया, कैश कलेक्शन हो गया, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हैं।
जाएगी। देन सेलिंग ओवरहेड, ये भी इसके नाम से ही पता चलता है, उस प्रोडक्ट को सेल करने से जितने भी खर्चे इन्वॉल्व है, जैसे सेल ऑफिस एक्सपेंस हो गए, सेलमैन सैलरी होगी, शोरूम का खर्चा हो गया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, सारे सेल के साथ रिलेटेड है, तो ये सेलिंग ओवरहेड्स होते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया और डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा है ना, रेडी टू डिस्पैच से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने तक का सारा खर्चा, ठीक है। हाँ जी, इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, मैंने कहा गुड्स को डिस्पैच से लेके, है ना, रेडी टू डिस्पैच से लेके डिस्पैच करने तक का, तो इसमें वेयर हाउस स्टाफ सैलरी आ गई, इंश्योरेंस आ गई, वैन और ट्रक के चार्जेस आ गए, स्पेशल पैकिंग चार्जेस आ गए, ठीक है। लास्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस भी, रिसर्च करने पे जितना भी एक्सपेंस किया जाता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस हो गया। तो इस तरह से एक्सपेंसेस का थ्योरी का क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया कि टोटल कॉस्ट के एलिमेंट्स कौन से हैं और प्रैक्टिकली भी हम इसे यूज़ करेंगे। हाँ जी, जब हमने कॉस्ट शीट बनानी है तो उसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इसमें आप प्लस करोगे वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड जब आप इसमें प्लस करोगे तो हमारे पास आएगी वर्क कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें अगर आप प्लस करोगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को अगर आप ऐड करोगे तो वो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पास हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है जी। सेलिंग एक्सपेंस ऐड करने के बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी, या इसे हम टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो ये है परफॉर्मा कॉस्ट शीट तैयार करने का। हाँ जी, अब मैं आपको बता रही हूँ कॉस्ट शीट, अगर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश स्टॉक दिया है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, इसमें हम लोग प्लस करेंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, पॉइंट क्लियर। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है जी। अब क्योंकि ये सिर्फ मटेरियल कॉस्ट आई है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेजेस ऐड करेंगे। जब हम इसमें वेजेस ऐड करेंगे तो वो बन जाएगी हमारे पास प्राइम कॉस्ट, ठीक है जी। प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करेंगे, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस करेंगे। पहले भी हमने ऐसे किया था तो हमारे पास आई थी फैक्ट्री कॉस्ट, अब आएगी हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, डन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस करेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करेंगे। जब हम ओपनिंग प्लस करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। वर्क्स कॉस्ट के बाद हमने करना क्या है, ये एक तरह की फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, इसको वर्क कॉस्ट भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। अगला स्टेप क्या था हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ऐड करना। तो पहले क्या आती थी उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो अभी भी हम इसे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद अगला स्टेप है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स को, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को
हम प्लस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हम माइनस कर देंगे। पॉइंट क्लियर? तो इससे हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई ना, हमने प्रोडक्शन इतनी की है, इतना हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था वो प्लस कर दिया, जो क्लोजिंग है वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? अब हम इसमें लेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जब हमने प्लस कर दिए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। ठीक है, अब हमें सेल्स दी होगी क्वेश्चन में, दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो इस तरह से हम कॉस्ट शीट तैयार करेंगे। ठीक है, अब मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एग्जांपल कर रही हूँ, तो सबसे पहले हमें एग्जांपल में दिया है। हाँ जी, इसी बुक की फोर्थ एग्जांपल है, आप देख सकते हो हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स दिए हैं, रॉ मटेरियल ये हमें दिया हुआ है। ठीक है जी, तो यहीं से मैं जो है डाटा ले रही हूँ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इट इज 30,000। हाँ जी, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 4,50,000, टोटल इज 4,80,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000, नाउ इट इज 4,55,000। डायरेक्ट वेजेस हमें दिए 2,30,000, 6,85,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें दिए 92,000। प्राइम कॉस्ट में जब हमने फैक्ट्री ओवरहेड प्लस कर दिए तो ये बन गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, इट इज इक्वल टू 7,77,000। अब इसमें हमने क्या करना है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करना है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमें दिया है 12,000। ठीक है, तो ये आ गया 7,89,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 15,000, तो ये आ गया 7,74,000। ठीक है जी, देन हमें दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 30,000, तो इट इज इक्वल टू 8,04,000। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक दिया 60,000 प्लस कर देंगे, क्लोजिंग दिया 55,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, इट इज इक्वल टू 8,09,000। ठीक है, ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, हमें सारी इंफॉर्मेशन सारी स्टेटमेंट वही एक एक आइटम दी हुई है, तो एज इट इज मैं फिल कर रही हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ गए 20,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 8,29,000, नाउ सेल्स इज गिवन 9 लाख रुपीस, तो इन दोनों का डिफरेंस 71,000। ठीक है, वो आ गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से हमने स्टेटमेंट करनी है, ये मेन परफॉर्म है। अब जो अनसोल्ड क्वेश्चन है वो सारे इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग अनसोल्ड क्वेश्चन करेंगे, इसमें तो मैंने एग्जांपल करी है। ठीक है जी, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।